अगर आप 10,000 बनाते हैं तो 1,00,000 रुपए हो गए। जो मैं 1,00,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, अगर 12 रुपए 15 रुपए मार्जिन कर रहा हूँ तो ये फैंसी बॉक्सेस की कर रहा हूँ। हम लोग बॉक्स बनाने के लिए जो रिजिड बॉक्सेस है, फैंसी बॉक्सेस है, इनके लिए मशीनें बनाते हैं। इन सब को बनाने के लिए 4 से 5 मशीनों की जरूरत होती है। सही है। देखिए, 1 साल की तो मशीन की हम गारंटी देते हैं, 1 ईयर की हमारे मशीन की गारंटी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो बंदे हमारे इंजीनियर जाके उसको शॉर्ट आउट करते हैं। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बॉक्स बनाने का बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बॉक्स तो हम कई तरह के बना सकते हैं, जैसे मिठाई का बना सकते हैं, कोई भी पैकेजिंग के लिए बॉक्स बनाना तो चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें पैकिंग के लिए छोटा मोटा बॉक्स चाहिए, तो हम बॉक्स बनाने के बिजनेस के बारे में आज जानेंगे। हम मिलेंगे जिया भाई। जिया भाई नमस्कार। हेलो, नमस्कार जिया भाई। हमारे कस्टमर, हमारे जो सब्सक्राइबर है या हमारे जो दर्शक है, उसको आप बताएं कि आप कौन सा बॉक्स बनाते हो और किस तरह का बॉक्स बनाते हो। देखिए, आजकल बॉक्सेस जो है सभी चीज़ को पैकिंग के लिए चाहिए, ठीक है। चाहे आप ज्वेलरी खरीदो, वो भी बॉक्स के पैकिंग में है। आप वॉच खरीदे, पर्स खरीदे, स्विच बॉक्स फैंसी बॉक्सेस में आने लग गए, आपके मोबाइल हैं, ये भी डब्बे आप देखते हैं कि बॉक्स के अंदर ही आते हैं, खुला कुछ नहीं मिलता, खुला कुछ नहीं मिलता सभी बॉक्स। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है इस टाइम में बॉक्स की। हम लोग बॉक्स बनाने के लिए जो रिजिड बॉक्सेस है, फैंसी बॉक्सेस है, इनके लिए मशीनें बनाते हैं। इन सब को बनाने के लिए 4 से 5 मशीनों की जरूरत होती है। सही है। जिससे आप अच्छी तरह से क्वालिटी बॉक्सेस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको एक ग्लूइंग मशीन चाहिए, ठीक है। आपको एक कटिंग मशीन चाहिए, पेपर कटिंग, पेपर साइज का बनाना है, अलग अलग बॉक्स अलग अलग साइजेस के बनाने हैं तो आपको एक कटिंग मशीन चाहिए। फिर आपको एक टैपिंग मशीन चाहिए, टैप लगाने के लिए बॉक्स में। इसके बाद आपको एक ग्रूविंग मशीन चाहिए, एक ग्रूविंग मशीन चाहिए आपको, और एक फॉर्मिंग मशीन चाहिए। अगर आप बहुत लंबे पैमाने पर काम करना चाहते हैं, बहुत संख्या में करना चाहते हैं, मैनुअली वर्क कम करना चाहते हैं, वर्कर्स को रिमूव करना है, तो ऑटोमेटिक फॉर्मिंग लगा लेंगे। इस तरह से 4 से 5 मशीन से बड़े आराम से आप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सही है। 5 मशीन से हम कर सकते हैं बॉक्स बनाने का, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन क्या है कि बॉक्स तो कई तरह के हैं, तो ये कौन सा बॉक्स, कोई भी बॉक्स बनाने की है? इसमें जितने भी हार्ड केस के बॉक्स बनते हैं, फैंसी बॉक्स बनते हैं, ये सभी तरह के बॉक्स आप इसके अंदर बना सकते हैं, सभी तरह के। जैसे कि अब कई तरह के होते हैं जिसमें कपड़ा लगा, कपड़े से बॉक्स बनाया होता है, तो उस तरह का भी आप बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसके अंदर फैब्रिक यूज कर सकते हैं बॉक्स के अंदर, इसके अंदर आप पेपर तो यूज करेंगे नॉर्मली। अगर इसके अंदर आपको रैक्सिंग करना है, बहुत सारे डब्बे आप देखते हैं जो रैक्सिंग के बने होते हैं, वो भी बड़े आराम से आप इन मशीनों पे बना सकते हैं। दोस्तों, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का बॉक्स आप बना सकते हो। अगर ऐसा नहीं है कि बॉक्स, आप आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग आप शुरू करना चाहते हो, तो उसी तरह की मशीनरी भी ये बना, सभी तरह के बॉक्स की जो मशीनरी होती है वो भी बना सकती है। सर जी, ये बॉक्स बनाने की जो मशीनरी है उसका सर्विसिंग, मेंटेनेंस किस तरह का आप हमें कस्टमर को देते हो? देखिए, 1 साल की तो मशीन की हम गारंटी देते हैं, 1 ईयर की हमारे मशीन की गारंटी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो बंदे हमारे इंजीनियर जाके उसको शॉर्ट आउट करते हैं। नॉर्मली बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि मशीनरीज जो है वो अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। 1 साल की गारंटी के बाद भी अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कॉल बेसिस के ऊपर करते हैं। इंडिया के अंदर सर्विस के लिए हमारे अलग अलग स्टेशन है, जैसे गुजरात में एक सर्विस स्टेशन है हमारा अहमदाबाद सिटी के अंदर, इसी तरह दिल्ली के अंदर एक हमारा सर्विस स्टेशन है, इसी तरह कोलकाता में हमारा एक सर्विस स्टेशन है, और एक ईस्टर्न इंडिया के लिए गुवाहाटी में मेरा सर्विस स्टेशन है। तो जो नियर पड़ता है, नजदीक पड़ता है कस्टमर को, हमारे इंजीनियर वहां से मूव कर जाते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर आते हैं, मशीन चालू करते हैं, प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं आपको, आपको मशीन चलाना सिखाते हैं, मेंटेनेंस सिखाते हैं हमारे इंजीनियर। तो ये सब काम हमारा है सर।
दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है और गुवाहाटी में भी है। तो आप बिना टेंशन के पूरे इंडिया में कहीं भी हो तो आप मशीनरी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी सर्विसिंग बहुत ही अच्छी है। सर जी इसमें कुल कितना खर्च होता है कि हमें मशीनरी लगाने का? ये आप अगर स्विच बॉक्स का काम एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए 8 से 9 लाख के खर्च में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। ये 8 से 9 लाख जो कॉस्ट है ये मशीनरीज का कॉस्ट है, और आपको 2-4 लाख रुपए मटेरियल के लिए भी चाहिए। इसमें एक आप बड़े अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं और अपने पास 10 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं आप। कुल कितना खर्च होगा रॉ मटेरियल्स और मशीनरी का? आप मान लीजिए 12 से 15 लाख में एक अच्छी फैक्ट्री आप शुरुआत कर सकते हैं, स्वीट्स बॉक्स में एक बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बॉक्स बनाने की मशीनरी में 12 से 15 लाख का होता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का होगा, 10 लाख का भी हो सकता है। हाँ, आप अगर चाहे तो जैसे अगर छोटा मोटा करना चाहते हैं तो आप 3-4 लाख में भी ये काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रोडक्शन चाहिए तो आपको मशीन भी उसी लेवल की चाहिए, हाई स्पीड मशीनें चाहिए जहां आप ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं नहीं, वो सही है। जैसे 3 लाख से शुरू होता है। देखो दोस्तों, नॉर्मल से नॉर्मल बॉक्स बनाने की जो आप मशीनरी खरीदते हो तो 3 लाख से शुरू होती है। 3 लाख में मशीनरी आ जाएगी और उसका रॉ मटेरियल्स आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो 3 लाख से या 5 लाख, 3 से 5 लाख में आपका बॉक्स बनाने का शुरू से आप ये काम कर सकते हो। सर जी, हम ये बॉक्स बनाने की मशीनरी में हम कितना प्रोडक्ट दिन का निकाल सकते हो और महीने के कितना निकाल सकते हैं इसमें? देखिए सर, ये आप 4 से 5 लोगों की टीम में अगर आप ये मशीनें सब लगाते हैं तो आप रोज का 8 से 10 हजार डब्बे तक बना सकते हैं फैंसी बॉक्सेस। बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में एक 8 से 10 घंटे के वर्किंग में आप 10 हजार डब्बे बना सकते हैं। दिन के 10 हजार डब्बे बना सकते हैं, वो छोटी मोटी कोई भी साइज हो, तो उस हिसाब से आप 8-10 घंटे में आप 8 से 10 हजार। लेकिन हाँ, रोज की। लेकिन उसमें क्या है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, अगर आप मैनुअली मशीन लेते हो तो 8-9 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीनरी में, तो रोज का आप जो बड़े आराम से 8 से 10 हजार डब्बे बना सकते। फिर कुछ और मैनुअल मशीनें आपने ले ली, ठीक है, आप एक 4-5 लाख के बजट में शुरू करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप जो 5-6 हजार, 5 हजार, 4 हजार डब्बे बना सकते हैं, 4-5 आदमी के हेल्प से बना सकते हैं। ये हो जाएगा, वो नॉर्मल लगे, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, और टाइम भी ज्यादा लगेगा, आदमी भी स्किल चाहिए, स्किल आदमी चाहिए। जब आप ये मशीनें लेंगे तो आदमी कम स्किल चाहिए, मशीन काम करेगी, क्वालिटी प्रोड्यूस मशीन करेगी, अदरवाइज हाथ से बना सकते हैं आप, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, और वो मजदूर काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे। वैसे ही लेबर का प्रॉब्लम तो चल रहा है सभी मैन्युफैक्चरिंग आजकल। अगर आपको मार्केट के अंदर कंपटीशन के अंदर जाना है तो आपको मशीनरीज की तरफ जाना ही पड़ेगा। हाथ से आप ना क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही आप प्रोडक्शन दे सकते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। और आपकी कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाएगी। जब आप यही काम सब मशीन से करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, क्वालिटी आपको मिलती है, ये मशीन का काम है सर। और कस्टमर भी हम संभाल सकते हैं कि हाँ, हमें कितना भी ज्यादा प्रोडक्ट निकाल के कस्टमर को देना हो तो हम दे सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ सकती है। दोस्तों, ये आप बॉक्स बनाने की मशीन में 3 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो वर्कर पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे अब जाके, अब अगर आपके पास है मूड़ी, अगर आप अब जाके इसमें 8 से 10 लाख रुपए लगाते हो तो उसमें आप दिन के 10 हजार डब्बे बना सकते हो, वो भी ऑटोमेटिक। उसमें लेबर का प्रॉब्लम वो बहुत कम रहेगा, लेबर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। बॉक्स बनाने के बिजनेस में हमने खर्च की बात तो कर ली है, लेकिन हमारे कस्टमर है ना, वो कितना उसमें हम कमाई कर सकते हैं वो भी जानने के लिए बहुत ही रहते हैं। तो आप इसमें कितनी कमाई कर सकते हैं? हम देखिए, फैंसी बॉक्सेज जो बनाएंगे इसमें मिनिमम मार्जिन भी अगर है तो पर बॉक्स उनको खर्चे वर्चे काट के 8 से 10 रुपए की मार्जिन मिलेगी पर बॉक्सेस। कोई भी साइज का बनाएंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी बॉक्सेज जैसे ज्वेलरी के बॉक्सेज है,
ये बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, इसके अंदर एक एक बॉक्स में 100-150 की मार्जिन तक कमा सकते हैं। बड़े बड़े गारमेंट्स के बॉक्स आजकल बनने लग गए हैं, फैंसी बॉक्सेस, बॉक्स की कीमत ही 800 से 1000 रुपए होती है, इसके अंदर 200-250 रुपए की मार्जिन आपको बचती है। लेकिन एक नॉर्मल बॉक्स, स्विच बॉक्स की अच्छे डब्बे आप बनाते हैं तो मिनिमम 10-12 रुपए आपके पास सेविंग हो जाते हैं। तो ये तो बहुत इनकम हो गई, दिन की एक दिन में हम 10,000 डब्बे बनाए, तो एक ही हम 10 रुपया कॉस्ट लगाए तो वो तो बहुत बढ़ सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 10,000 बनाते हैं तो 1,00,000 रुपए हो गए। क्या बात है। लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं 1,00,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, अगर 12-15 रुपए मार्जिन कर रहा हूँ तो ये फैंसी बॉक्सेस की कर रहा हूँ। सिर्फ स्विच बॉक्स में आपको इतना कमाने को नहीं मिलेगा, मिठाई के डब्बे में नहीं मिलेगा इतना। मिठाई के डब्बे में 4-5 रुपए की मार्जिन रहेगी, लेकिन जब भी आप आजकल पैकेजिंग में देखते हैं, अभी ज्वेलरी लेने जाते हैं आप, बहुत खूबसूरत सा डब्बा होता है, अभी कॉस्मेटिक लेने जाते हैं तो काफी अट्रैक्टिव डब्बा होता है, इन डब्बों के अंदर आपकी ये कमाई 10-15 रुपए भी है। और आजकल जो साड़ियां पैकिंग होती है उसके बॉक्सेस की कीमत ही 700-800 रुपए जैसी होती है। नहीं, सही है, तो 200-250 रुपए वहां आप इतनी क्वांटिटी नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर आप 800 के डब्बे बना रहे हैं तो वो आप समझो कि एक दिन के अंदर आपने 1500-2000 डब्बे बनाए। जैसे ही आप बड़ा डब्बा बनाएंगे, ज्यादा फैंसी बनाएंगे, ज्यादा कॉस्मेटिक करेंगे तो आपकी क्वांटिटी घटेगी। दोस्तों, बॉक्स तो पहले हमने बताया, बॉक्स तो कई तरह के होते हैं, आपको किस तरह का बनाना है वो रिक्वायरमेंट, उसी तरह से आप इसमें इनकम कर सकते हैं। समझ लो कि एक डब्बे में आप 10-15-20 रुपया तक की मार्जिन कर सकते हो, और एक डिब्बे में 5 रुपया तक की मार्जिन कर सकते हो। वो तो आप कौन सा डब्बा बनाते हो, कौन से रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से आप ये इसमें कमाई कर सकते हो। सर जी, ये जो मशीनरी है इसमें हम बिजली का बिल कितना हो सकता है? देखिए, अगर आप आपकी फैक्ट्री 8-10 घंटा रोड रन करते हैं तो आप एक एवरेज मान लीजिए कि आपका जो बिजली बिल है वो 5-7 हजार रुपये महीने का आएगा, क्योंकि इसके अंदर पावर की रिक्वायरमेंट काफी कम है, काफी कम है। सर जी, इसमें हम सरकार का कोई रोल करे कि इसमें सरकार, इसमें कौन सा रोल चाहिए थी? देखिए सर, आजकल जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और मोदी जी का एक ड्रीम है कि हम अपने देश में मेकिंग इंडिया काम करें। सही है, सही तो है, उन्होंने इसके दिशा में बहुत सारा काम किया है, स्टार्टअप किया है, नए नए SME बनाए हैं और लोगों को, नौजवानों को बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं। सही है, सही। अगर आप इसके लिए क्या है सर, आप वो मशीनों पे सब्सिडी भी देते हैं, आप स्टार्टअप कीजिए, आप हम मैं कोटेशन दूंगा मशीन का, आप बैंक को कोटेशन दीजिए और आपको लोन भी मिलता है और उस पर सब्सिडी भी मिलती है। दो तीन तरह की सब्सिडियां हैं सर। एक आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है, आप जो मशीन खरीदते हो उस पर राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों की सब्सिडी है, दोनों की सब्सिडी है। इसके बाद राज्य सरकार की इंटरेस्ट सब्सिडी है, अगर आपने ब्याज 10% ब्याज पे बैंक ने आपको दिया है तो 6% तक तो आपकी सब्सिडी मिल जाती है। सही है, सही है, ये एक बेनिफिट है। तो इस तरह का काफी आजकल है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई लेडीज चालू करती है तो उनको 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी, 1% एक्स्ट्रा उनको लोन के अंदर जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो सरकार का काफी इसके अंदर आज के टाइम में गवर्नमेंट बैठी हुई है, आप करो, आप काम करो, रोजगार पैदा करो, आप 4-5 लोगों को रोजगार दो, तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इस टाइम पे। और हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, सामने से मशीनरीज के आपको कोटेशन देने हैं, बैंक से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये सब काम हमारा है सर। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। दोस्तों, आप इसमें सरकार आपकी हेल्प कर सकती है, और इसमें भी ये सर जी कहते हैं कि आपको लोन करनी है तो कोटेशन भी ये दे सकते हैं आपको, सही है? सर जी, इसमें सरकार का कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? देखिए, ये इसमें कोई खास लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्रीज नहीं है, इसके अंदर आप कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। आपको एक मामूली एक मेन GST नंबर लेना है, आपको बिजनेस करने के लिए, बिल करने के लिए एक GST नंबर लेने के बाद कोई भी, हाँ, बिजनेस के लिए, बाकी कोई ऐसा लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको। और हमारे कस्टमर को ये खरीदना है, पूरे इंडिया में हमारा, हमारी सब्सक्राइबर है,
तो उसको ये मशीन खरीदना है तो उसको आप किस तरह की सहायता दे सकते हो, मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टेशन या एडवांस में या किस तरह का? सर देखिए, अगर जब कस्टमर को मशीन खरीदनी होती है तो वो हमारे ऑफिस से कॉन्टेक्ट करते हैं और हमारे बंदे उनके पास विजिट के लिए जाते हैं, उनसे अच्छी तरह से समझते हैं कि वो किस तरह के डब्बे बनाने चाहते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, चूंकि वो कई लोग नए होते हैं इस लाइन में, सजेस्ट करते हैं आपको ये मशीनें चाहिए, इस तरह से डब्बे बना सकते हैं, ये कॉस्टिंग आती है, ये प्रॉफिट लेवल होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव उनके पास विजिट करते हैं। एक बार ये काम हो जाता है तो हम उनको अपनी फैक्ट्री बुलाते हैं, उनको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं डब्बे कैसे बनते हैं, और कई बार कस्टमर्स को हम कस्टमर के पास भी लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि आप किस तरह से डब्बे बना सकते हो, मशीनें किस तरह से वर्क कर रही है, ये हम उनको ये सारे प्रोवाइड करते हैं। और हम जगह जगह एग्जीबिशन भी लगाते हैं, जैसे हमारी एग्जीबिशन दिल्ली में होती है, ग्रेटर नोएडा में होता है, बॉम्बे में होती है, कोलकाता में होती है, गुवाहाटी में होती है, इन जगहों पे कंपनी प्रदर्शनी लगाती है और वहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वहाँ भी कस्टमर्स आते हैं, वहाँ से आके उन्होंने देखा, पसंद किया, जो क्यूरी रही उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं और उनको हम ये सपोर्ट देते हैं। वो हमारे नंबर पे, कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हमारा डायरेक्ट नंबर 9537288444 सेल्स का नंबर है, या मेल के थ्रू हमारे को इंक्वायरी दे सकते हैं sales@unisonmachine.com, हमारे एग्जीक्यूटिव उनको रिप्लाई करेंगे, अगर विजिट की ज़रूरत है तो हम विजिट करेंगे, अगर उनको हमारी फैक्ट्री पे विजिट के लिए आना है कस्टमर पे तो हम उनको मोस्ट वेलकम उनको बुलाएंगे अपने पास। इस तरह से हम काम करते हैं सेल्स का। अगर किसी को खरीदना है बाहर के हैं, जनरली लगभग 10-12 स्टेट में हमारे डीलर्स भी काम कर रहे हैं, तो हम उनकी इंक्वायरी हमारे डीलर को दे देते हैं, वो वहाँ से लोकली उनको मिल लेते हैं, बात करते हैं, या डायरेक्ट कंपनी को वो मेल करते हैं, हम उनको कोटेशन भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, इसके बाद हम उन्हें समझाते हैं अच्छी तरह से, उनको समझ में आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट, तो फिर हम 40% एडवांस लेते हैं, फिर मशीन बन जाती है, रेडी हो जाती है, उसके बाद डिस्पैच से पहले पेमेंट लेने के बाद उनके पास मशीन भेजते हैं। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। दोस्तों आप ऐसा नहीं कि आप कहीं भी हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो, तो आप इसकी वेबसाइट भी है, तो वहीं पे भी विजिट करके पूरा देख सकते हो, उसका वर्कशॉप देख सकते हो, काम करने का किस तरह का वो भी देख सकते हो, आप वेबसाइट से भी आप उसे मिल सकते हो, कॉन्टेक्ट से भी की कॉन्टेक्ट करके भी आप उसे मिल सकते हो। इस कंपनी के जो ऑफिस है वो दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है और गुवाहाटी में भी है, तो आप पूरी इंडिया में कहीं पर है तो आप इससे कॉन्टेक्ट करके आप मशीनरी खरीद सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, ताकि आप हर रोज़ बिजनेस के नए नए वीडियो देख सकें।